नमस्कार, हृदय की बात 152, आप सबका स्वागत है। मृत्यु के बारे में बात हो रही थी, तो जैसे हमने देखा कि मृत्यु ये तो अटल है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और मृत्यु होती किसकी है? तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार वो कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, कैसी है वगैरह, हमने वो भी सब देखा सुना। तो एक संत को किसी ने पूछा कि क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और किसी को भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि नास्तिक जो होते हैं वो समझते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, तो फिर किस बात का उन्हें डर लगना चाहिए? और जो आस्तिक है उनको मालूम है कि आत्मा अमर है, तो फिर भी मृत्यु का फिर से डर किसको क्यों लगे उनको भी। तो आत्मा अमर है, शरीर के मरने के बाद भी वह नहीं मरती, वह जन्म मरण जरा से पर है। अग्नि उसे जला नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी उसे भिगो नहीं सकता या डुबा नहीं सकता। यह आत्मा जो है वो अविनाशी है। यह बात कहना समझना एक अलग बात है, लेकिन उसका अनुभव कैसे मिलेगा? क्या शरीर से अलग हो करके स्वयं के शरीर को बाहर से हम देख सकते हैं? हाँ, ध्यान की पूर्णावस्था में यह संभव है, और बहुत सारे लोगों ने किया है। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उस ज्ञान की जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक सारा ज्ञान जो है वह अधूरा है, सब ऊपरी ऊपरी है। इसके लिए मृत्यु के साथ उसका सामना कर, उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करना जरूरी है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि मुझे मरते समय इतनी शक्ति, समझ, जागृति और हिम्मत दे कि मैं वो मृत्यु जो है उसको बिना क्या कहेंगे डर से उसके हाथ साथ मिला सकूं। तो ध्यान जो है ना, वो भी एक मृत्यु को जानने की विधि है। ऐसा कहते हैं कि ध्यान की गहराई में उतरने के बाद व्यक्ति स्वयं को अपने शरीर से अलग होकर उसे देख सकता है, जान सकता है। ध्यान में शरीर और चेतना तो बनी रहती है, परंतु अहंकार मर जाता है, और अहंकार की मृत्यु वही तो वास्तविक मृत्यु है। कहते हैं कि मृत्यु को जानना है तो नींद को ठीक से जान लीजिए, क्योंकि मृत्यु भी एक प्रकार की महानिद्रा है। जब नींद आती है तो हम थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं, उठने के बाद चलता है पता चलता है कि अरे हम तो जीवित हैं। तो ये जो चीज़ है महानिद्रा, इसको एक बार जान ले तो फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा। धन्यवाद।